नमस्कार। We are 42,000 people are working in Singareni area, and after Modi government came into the power, he is doing like all 44 labor laws into 4 courts, and he is doing privatization of all PSUs. You want to cancel all 4 labor courts? So you are going from being laborers to bonded laborers. They are making you like bonded labor. Yes, yes, yes. जो पहले हुआ करता था 200-300 साल पहले, वो ही आपको बना रहे हैं। तो इसके जो 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं? We cannot do strike. You cannot do strike. Second point, there is no job security. They can remove immediately without any notice period or something like that. Third, extending working hours to 12 hours. Okay, and fourth, there is no social security for all workers. पहले जो है ना, ये 1,10,000 आदमी है, अभी 40,000 लेकिन 40,000 नहीं है सर, अभी भी 1,10,000 है, लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं है सर। अभी एक बात है सर, इसमें क्या है, जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी जो व्हीकल्स है और जितना भी जो इक्विपमेंट्स है, डीजल पेट्रोल जो भी है, किसी में भी कमी नहीं है सर। लेकिन लेबर जो है ना, बहुत सस्ता में ये लेबर का जो पैसा है, बड़ा आदमी ले रहा है, तो बड़ा जो अंबानी है, अदानी है, जो इन लोग जो है ना, वो अपना पेट बढ़ा रहे। आप यहाँ ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये आप इसको रोकना चाहते हैं? आप करते क्या हो? मैं टेक्नीशियन सर, मैं फिटर हूँ। फिटर है? फिटर हूँ, मैं वो सिर्फ यही माइन में काम करता हूँ। अच्छा, और आप? अंडरग्राउंड में काम करते हैं। और प्रोडक्शन जो रहते ना सर, वो E&M काम करते हैं, लाइक जो भी सामान है वो शिफ्ट करने हम लोग करते हैं। मतलब गाड़ी मशीनरी के साथ करना है, वो करना है। कार्मिक गवर्नमेंट था, जब एग्जेम्प्शन था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आए, एक पैसा भी एग्जेम्प्शन नहीं है। हम अंडरग्राउंड भी बजट में नहीं। अब क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे इनकम टैक्स होता था, अब इन्होंने GST लागू कर दिया। अब GST में क्या होता है, अगर आप कुछ खरीदोगे और अंबानी कुछ खरीदेगा, तो आप भी उतना टैक्स दोगे, वो भी उतना टैक्स देगा। ये गलत GST किया है, और ये जो कमज़ोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको मारने का और इनका पैसा छीनने का तरीका है। सर एक बात है सर, ये जो GST जो बना है सर, पहले जो है ना टैक्स लगता था, टैक्स लगने के बाद ये GST लगा रहा है, ये GST का भी अलग ले रहा है दुकान वाला, अभी वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। इंदिरा गांधी जी जो है ना, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बनाया सर, नेशनल, इससे जो है ना हम लोग जो है ना ये अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में आ गया, तो हमारा सैलरी भी जो इंक्रीमेंट बढ़ गया, तेलंगाना आने के बाद एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, नुकसान हो गया, पूरा ओसीज बना रहे हम लोग, अंडरग्राउंड निकाल दे रहे। अंडरग्राउंड निकालने से क्या होता, मैन पावर कम होता, ओसीज बनाने से मिशनरी वर्क ज्यादा होता, लिहाजा मैन पावर मतलब बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता, बड़े लोगों को ज्यादा फायदा होता। यहाँ पे क्या क्या प्राइवेटाइज कर रहे हैं? तो अगर आप मुझसे एक या दो चीजें चाहते हैं, वो सबसे जरूरी चीज क्या है? ईयर में 3 महीने सारे कट हो जाता है, IT 3 महीने चले जाए सर, कैसे जितना है 12 महीने काम करता है तो 9 महीने सैलरी आता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्टर उसको दे दिया सर, और सिंगरेणी का पैसा पूरा अभी तक 20,000 पैसे So our sincere request is to please keep in the manifesto. So Congress National Manifesto. Yes. People slowly having trust on you, because you recognize the workforce of India. Because you are spending time with Swiggy boys, delivery boys, workers, and Hamalis and auto wallas and truck drivers, and now today with Singer Indians. That means you are giving support to the workforce of India. Definitely, I can say you, sir, you will be the Prime Minister of India. No doubt in that. Please continue with support with workforce. See, I think that किसानों की और जो मजदूर हैं उनकी रक्षा नहीं करेंगे, इंडिया आगे ही नहीं जा सकता। Yes. मतलब काम आप करते हो, बोझ आप उठाते हो, आपके कंधे उठाते हैं, और फायदा कोई और उठा के ले जाता है, और ये मतलब बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जो अदानी जी के साथ हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री में भी हैं, हर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनको ब्लैंक चेक मिलता रहता है, और जो उनसे कम्पीट करते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, और फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। तो ऐसे तो देश का नुकसान होगा, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी सिर्फ रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है,
उनको पूरा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है और उनको एक नया तरीके का इमेजिनेशन देने की ज़रूरत है। क्लियर स्टैंड लेना चाहिए सर प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्ट्रेटेजिक एरियाज है उसमें हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते। राहुल गांधी और नायक तुम।